यार टीम हमारी जो है ना इस वक्त नथिया गली पहुंच चुकी है, नज़ारे आप देख लें, इससे आगे का भी प्रोग्राम है लेकिन इस वक्त आप सर कुछ सर बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों के साथ, अली साहब सही बजा रहे हैं आपके साथ क्या शुगर लग गया है मासूमों की तरह किधर नदान पक्षियां आई और कहती हैं ठंडे कमरों में बैठने वाले जवान है तो इसलिए ये चमके दमके रहते हैं हर वक्त। भाजी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा बाबा जी छड़े दादाजी आप भी छड़े। अब हम अपना सफर शुरू करने वाले हैं जी मरी से नथिया गली, और जिस रोड पे हम अभी सफ़र कर रहे हैं इसे मरी रोड कहते हैं और ये मसरूफ़ तरीन रोड सियाहती लिहाज से गिनी जाती है, जो कि अयूबिया नथिया गली, इससे आगे डोंगा गली, फिर एबटाबाद ठंडियानी वगैरह की तरफ से यही सड़क जाती है और तमाम सयाह तकरीबन इसी रोड पे सफ़र करते हैं। हमारे इस सफ़र का कुल फासला बनता है तकरीबन 36 से 38 किलोमीटर, जो कि तकरीबन गाड़ी पे तय होता है 45 मिनट से लेके एक घंटे में, लेकिन हम इसे तय करेंगे सिर्फ 3 मिनट में। मरी से जब आप नथिया गली की तरफ सफ़र शुरू करते हैं तो रास्ते में छोटे छोटे टाउन आपको मिलेंगे, ऐसे ही मुख्तलिफ़ जगहों पे चादरें बेचने वाले, ये शॉल्स वगैरह बेचने वाले आपको मुख्तलिफ़ अफराद मिलेंगे जो कि माहौल को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, और फिर आपको बहुत से बाज़ार मिलेंगे जिनमें बाड़ियाँ सुबह पंजाब का आखिरी स्टॉप या बाज़ार है, इसके बाद केपीके शुरू हो जाता है, जैसा कि अभी आपको एक साइन बोर्ड भी नज़र आएगा वेलकम टू केपीके, और फिर इसके बाद आप एंटर हो जाते हैं केपीके में। इसके बाद खैरा गली, कुजा गली, चांगला गली, अयूबिया नेशनल पार्क और ऐसी और भी मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स आपको इंशाल्लाह रास्ते में मिलेंगे, और यहीं नथिया गली के रास्ते में डोंगा गली, जो कि तकरीबन यहाँ का आखिरी स्टॉप है जहाँ से सयाह मुश्कपुरी टॉप के लिए रवाना होते हैं। आज धूप की वजह से मौसम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आगे आगे चल के देखते हैं कि कब बर्फ़ पड़ी, कितनी बर्फ़ पड़ी है। अभी ये रोड्स पे आपको नज़र आ रही है कि थोड़ी थोड़ी बर्फ़ तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे 3-4 दिन पहले बर्फ़ पड़ी हो। यार आपको एक बात बताते चलें, मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप भी निकली हुई है, लेकिन इसके साथ साथ गाड़ी से हाथ बाहर निकाला हुआ है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो हाथ बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है जैसे बिल्कुल ठंड से शल हो गया हो, और इसके साथ साथ नज़ारे देख देख के दिल तो काफ़ी भर रहा है लेकिन पेट बिल्कुल नहीं भरा हुआ, क्योंकि नाश्ता जो है वो हमने सोचा था कि एबटाबाद या बल्कि उससे पहले नथिया गली में करेंगे, तो अभी आप देख रहे हैं नथिया गली तक का हमारा सफ़र जारी है, तो नथिया गली पहुंच के जो है वो हम पहले नाश्ता करेंगे। रास्ते की खूबसूरतियां आप इंजॉय करें और देख लें, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि हम आपको मरी से नथिया गली तक का सफ़र इंशाल्लाह 3 मिनट में तय करवाएंगे, तो बस 3.5 मिनट में तय होने वाला है। तो मुकम्मल वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अभी आप इंजॉय करें हमारे इस खूबसूरत सफ़र की वीडियो को। खैर जो यार टीम हमारी जो है ना इस वक्त नथिया गली पहुंच चुकी है, नज़ारे आप देख लें, इससे आगे का भी प्रोग्राम है लेकिन इस वक्त पहले ये नाश्ता करेंगे जी। अली साहब किधर जाने का प्रोग्राम है? अभी अब्दुल्लाह जा रहे हैं हम नाश्ता करके। हाँ जी अब्दुल्लाह से भी हम जाएंगे, वहाँ से अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह वहाँ की भी दोस्तों के साथ अली साहब सही बजा रहे हैं अली साहब क्यों तंग कर रहे हैं जी हमें? और अली साहब जो है उनकी आंखें नहीं खुल रही, जी की आंखें हम खुद खोलेंगे जी, अभी हम शाह जी को बर्फ मारेंगे ना तो इनकी आंखें खुलेंगी। हमें फिर अगर बर्फ ना मारें कुछ और ही मारें। शाह जी आपको नाश्ता मारते हैं अभी।
क्या क्या शुगर लगाया जिनेश साहब आपने? शुगर नहीं, हमारे साथ लगा, हमने नहीं लगाया। आप आपके साथ क्या शुगर लग गया है? मासूमों की तरह। मासूमों की तरह किधर? नादान पक्षियां आई और कहती हैं बाबा जी छड़े, बाबा जी छड़े आए, बाबा जी छड़े। क्या ना था ना, हम छड़े नहीं हैं। उन्हें क्या पता कि हम दो बच्चों के बाप हैं। जैन भाई क्या प्रोग्राम है आगे? अभी तो बांदर बने हैं, तो अभी बंदर बने, आगे क्या बनते हैं? ये इनकी मेहरबानी से अभी हम बंदर बने हैं और आगे देखते हैं क्या बनते हैं। ये भाई पहले आ जाओ, नाश्ते की जगह का इंतखाब हो रहा है। अभी 12 बज चुके हैं और नाश्ते का प्लान जो है ना नथिया गली आके बना है कि नथिया गली से जाके नाश्ता करेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी हमारी टीम है और सबसे ज्यादा चमक जो है ना इस वक्त उमर भाई और ये जुनेद साहब रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनका काम जो है ना वो आप लोग जानते ही हैं। ये माशाल्लाह कमरों में, ठंडे कमरों में बैठने वाले जवान है तो इसलिए ये चमके दमके रहते हैं हर वक्त। भाजी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा बाबा जी छड़े। एक ये शुगर लगाया जी बाबा जी, इनके साथ शुगर लगा उधर इनको लड़कियों ने छेड़ा है वहाँ पे, मजा आया। और अच्छा ये लड़के, ये लड़का भी बड़ा प्यारा है जी, जिनको लड़कियां छेड़ लेती हैं जनाब। ये सब नूरगुल की वजह से। नूरगुल आप क्यों मरवाने पे तुले हुए हैं? नूरगुल नूरगुल आप क्यों मरवा रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं मरवाने के चक्कर। आज बैठे 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 नाश्ते का इंतखाब हो रहा है। भाजी बह जाओ ना। मिर्जा जी आप भी छड़े, चीनी घट ते पत्ती तेज। मुर्शिद पाक जो है ना वो तेज पत्ती वाली पियेंगे। टुट पे ने जवान नाश्ते नु। मजे के लोग डंडा ले रहे हैं, ये फिर आके वापस भी करते हैं यहाँ पे। भाई कॉन्फिडेंस है, पहली बात इनका कॉन्फिडेंस है कि डंडा ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वापस भी करते हैं आके। अभी पूछते हैं किसे हैं? ठीक है, तो फिर तो उन भाई का कॉन्फिडेंस देखें जिन्होंने पहले को 50-100 लिए हुए हैं, मैं उधर रखे हुए हैं और फिर वो बारी बारी लोगों को दे रहे हैं काम में। नथिया गली लालादार पार्क की तरफ जाते हुए आधी टीम आगे और आधी ये टीम आ रही है। अली साहब चल लेंगे ना 15 मिनट? पुरजोश जवान है जी, पुरजोश जवान है सारे, कह रहे हैं आ गए हैं तो चलेंगे। आप किसको ये बर मारने के चक्कर में है मिर्जा साहब? ये बिंस विकी वाले ने इतना बड़ा खज्जल करना है? खज्जल ही से।